कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? मुझे पता है सब ठीक ही होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं फाउंडेशन फिजिक्स क्लास 3 से लेकर के क्लास 6 तक का। जी हाँ, क्लास 3 से लेकर के क्लास 6 तक का फाउंडेशन फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं IIT और नीट के लिए। और हमारा चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी। हम लोग वर्क पढ़ रहे हैं और वर्क में पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें डेफिनेशन पढ़ लिया, फैक्टर्स पढ़ लिया। और आज का जो सेकेंड पार्ट होने वाला है, इस सेकेंड पार्ट में हम लोग सबसे मजेदार चीज वर्क का पढ़ने वाले हैं, और वो है उसकी CGS सिस्टम में यूनिट और MKS सिस्टम में, दैट मींस SI सिस्टम में उसकी यूनिट, जो कि होने वाली है अर्घ और जूल। तो अर्घ क्या है और जूल क्या है, आज हम ये भी सीखेंगे कि वन अर्घ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, और ये भी सीखेंगे कि वन जूल को कैसे डिफाइन करेंगे। तो तैयार हो जाइए, हम आज पढ़ने वाले हैं वर्क डन का यूनिट। स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले पेन उठाइए, नोट डाउन करना शुरू कीजिए, और जब नोट हो जाए तो पेन फेंक के मारिए सब्सक्राइब बटन को और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि आखिर ये यूनिट का जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। तो CGS सिस्टम, तो नाम जिस तरीके से है, नाम क्या कहता है, सी जी और एस। तो सी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये जरा देखते हैं। सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर। जी स्टैंड फॉर ग्राम, जी स्टैंड फॉर ग्राम। और एस स्टैंड फॉर सेकेंड। टाइम को हम मेजर करते हैं सेकेंड में, वेट जो होता है, मास जो होता है, मास को हम मेजर करेंगे किसमें, ग्राम में। और हम जो लेंथ है, जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, CM में, सेंटीमीटर में। हमने देखा कि यूनिट, ये जो हमारा CGS सिस्टम है, CGS सिस्टम में जो यूनिट्स आएंगे वो मास के यूनिट क्या आने वाले हैं, ग्राम। लेंथ के यूनिट क्या आने वाले हैं, डिस्टेंस के यूनिट क्या आने वाले हैं, सेंटीमीटर। और टाइम का यूनिट होने वाला है सेकेंड। अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है बताइए। वर्क डन इज इक्वल टू होगा फोर्स इनटू बताइए डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसके ऊपर जाने से पहले हम एक और चीज पढ़ना चाहते हैं, और साइड में पढ़ रहे हैं वो है फोर्स। क्या है वो हमारा, फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एसेलरेशन। और फोर्स का जो यूनिट होगा, फोर्स का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाना है, मास के लिए क्या करेंगे, देखिए पढ़ रहे हैं CGS तो मास को केजी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यूनिट हमारा ये पूरा टॉपिक CGS का चल रहा है, तो मास को हम लिखेंगे ग्राम। मास को क्या लिखने वाले हैं, ग्राम। तो हम मास की जगह पे हम लिखेंगे ग्राम, जी से ग्राम। ओके। और एसेलरेशन, एसेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड, तो CGS में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो हमें क्या मिला, फोर्स का जो यूनिट मिला वो मिला ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्चुअली में इस यूनिट को हम लोग फोर्स में डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डाइन। ए डाइन जोगिन वाला नहीं, डाइन, ये सिंपली डाइन कहलाता है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, फोर्स के यूनिट की जगह पे इस डाइन वाले वैल्यू को प्लेस कर देना है। तो जब हमने देखा कि वर्क डन को हमने लिखा W, ठीक है भाई, फोर्स की जगह पे हम क्या लिख सकते थे, तो फोर्स की जगह पे हमने यूनिट डाल दिया ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड का स्क्वायर, है ना, पर सेकेंड स्क्वायर बोलेंगे, इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह पे, किसकी जगह पे, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हमने क्या कर दिया, सेंटीमीटर लिखा। आप कहोगे सर मीटर क्यों नहीं लिखा, अरे भाई CGS सिस्टम चल रहा है,
डिस्प्लेसमेंट को हम सेंटीमीटर में सीजीएस में मेजर करते हैं। जब हम इस पूरे को सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो ग्राम का ग्राम रह गया और सेंटीमीटर दो है तो इसका पावर वन दोनों मिलके हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क डन को हम सीजीएस सिस्टम में इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं और इसी को हम अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ग। क्या अच्छे से बात समझ में आई? एक बार और रिवाइज कर देता हूं। सीजीएस सिस्टम में हम वर्क डन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? सीजीएस सिस्टम में सी स्ट्रेंथ होता है सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकेंड। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का जो वैल्यू होगा यूनिट में वो क्या होगा? मास को हम जी बोलेंगे ग्राम, एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस पूरे को डाइन बोलेंगे। हम फोर्स का वैल्यू, यूनिट का वैल्यू ला करके पुट कर देंगे फोर्स की जगह पे, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिलेगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पे हमने डाल दिया ग्राम, ग्राम की जगह पे ग्राम आया, सेंटीमीटर की जगह पे सेंटीमीटर आया, अब पर सेकेंड की जगह पे पर सेकेंड आया, और डिस्प्लेसमेंट की जगह फिर से यहां क्या आया? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो वर्क डन W इज इक्वल टू सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होगा वो होगा ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? अर्ग बोलेंगे। तो क्या अच्छे से आपको समझ में आया अर्ग क्या है? वन अर्ग को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? बहुत आसान हो गया। अभी आपने सारे के सारे चीज देखे, मैं दोबारा से एक बार वर्क डन W इज इक्वल टू लिख रहा हूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और हम लिख देते हैं फोर्स के बदले में क्या लिखेंगे जरा देखिए, क्योंकि हम पूरा का पूरा सिस्टम कौन सा पढ़ रहे हैं भाई? हम पढ़ रहे हैं सीजीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स के जगह पे, फोर्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे? वन डाइन। क्या लिखेंगे? वन डाइन इनटू, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लिखेंगे भाई? सीजीएस सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट मीटर नहीं होगा, क्या होगा? क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल सही। तो ये सेंटीमीटर डाल दिया, लेकिन कितना सेंटीमीटर? वन सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे वन अर्ग, वर्क डन की जगह पे क्या लिखेंगे? वन अर्ग। और ये हमारा रेडी हो चुका है डेफिनेशन। आप कहेंगे सर वन अर्ग को अभी तक तो डिफाइन आपने नहीं किया। अरे डिफाइन हो गया, डिफाइन हो गया। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से ग्राउंड पे पड़ा हुआ, और हमने क्या किया, इसके ऊपर में फोर्स लगाया। लेकिन कितना फोर्स लगाना है? ओनली एंड ओनली आपको फोर्स अप्लाई करना है वन डाइन का फोर्स। कितना फोर्स? वन डाइन का फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगे और वो डिस्प्लेस होकर के पहुंच जाए किसी जगह, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू केवल वन सेंटीमीटर ही हो। व्हेन यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन डाइन एंड ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड अप टू वन सेंटीमीटर, देन दैट विल बी रेफर्ड एज वन अर्ग। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वन अर्ग? वन अर्ग कुड बी डिफाइंड एज When one dyne force applied, when one dyne force applied on an object, object get displaced by and object get displaced by one centimeter, that will be one arg work done. This is the proper definition of one arg. Is it okay? क्या अब हम लोग CGS के बाद
एम केस पढ़ने के लायक हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हैं। हमने क्या देखा, वन अर्ग को अच्छे तरीके से समझ लिया है और अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। और हमारा जो अगला स्लाइड है वो कहता है कि भाई साहब ये बताओ कि जूल क्या है। अभी अर्ग तो आपने पढ़ा लिया भाई, अब आपको पढ़ना है जूल। जूल पढ़ने के लिए बड़ा ही मजेदार टॉपिक शुरू हो रहा है, जरा ध्यान देंगे। कौन से यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं इसके बारे में जरा समझिए। हम पढ़ रहे हैं एम के एस यूनिट, यूनिट का नाम है एम के एस। कई बार इस एम के एस यूनिट को एस आई यूनिट भी बोलते हैं। जी हाँ, इसी को एस आई यूनिट भी कहते हैं। तो एम के एस में एम किसके लिए स्टैंड करता है भाई, मीटर के लिए। किसके लिए, मीटर। और के स्टैंड किसके लिए करता है, केजी के लिए। और एस स्टैंड करता है सेकेंड के लिए। एस आई यूनिट भी इसको हम कहते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक अलग चीज, हमें निकालना क्या है भाई, हमें तो निकालना है वर्क डन। क्या निकालना है, वर्क डन। तो डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बारी है फोर्स की, तो फोर्स की जगह पे क्या लिखेंगे जरा देखिए, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। पिछले स्लाइड में भी हमने पढ़ लिया, अर्ग वाले में पढ़ा। तो मास की जगह पे क्या डालेंगे भाई जरा देखिए, मास की जगह पे डालेंगे ना केजी, तो यहां लाके केजी डाल दो। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर का मीटर और सेकेंड का सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें फॉर्मूला मिल गया। लेकिन रुकिए, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज मिला है। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स को जब सीजीएस सिस्टम में लिखते हैं तो उसका यूनिट क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसको कहते थे डाइन। अरे डाइन जोगिन। लेकिन एमके सिस्टम या फिर एसआई यूनिट सिस्टम में फोर्स को हम क्या लिखेंगे, यूनिट में लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स को जब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे तो हम इसको कहते हैं न्यूटन से डिनोट करते हैं, सीधा न्यूटन एन लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, एन न्यूटन से डिनोट करेंगे। तो अब लाते हैं वैल्यू और डालते हैं। तो हमने देखा कि डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स था, फोर्स का यूनिट उठा के यहां डाल देंगे तो क्या होगा जरा बताइए, क्या है लिखा हुआ, केजी का केजी, मीटर का मीटर, और सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट यहां लाके डाल देंगे, वो क्या होगा, मीटर, मीटर से मीटर का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क डन को हमने किस यूनिट के अंदर में डिनोट कर दिया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिखा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इस पूरे को पिछले में क्या बोले थे, उस समय था ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसको बोला था अर्ग। क्या बोला था, अर्ग। लेकिन हम इसे बोलेंगे जूल। क्या बोलेंगे इसे, जूल। और सिंपली कई बार इसको जे से ही डिनोट कर सकते हैं। तो हम अब वन जूल को भी डिफाइन करने लायक बन गए हैं। क्या आप वन जूल को डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। वन जूल, डब्ल्यू की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, वन जूल इज इक्वल टू फोर्स की जगह पे क्या लिखेंगे, वन न्यूटन का फोर्स। कितना न्यूटन का फोर्स, वन न्यूटन का फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या डालेंगे, वन मीटर का डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमने, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमने फोर्स लगाया, और कितना फोर्स लगाया, वन न्यूटन का, कितना न्यूटन का, वन न्यूटन का फोर्स, और ये घसक के यहां पहुंच गया, और कितना दूरी तय किया, वन मीटर। कितना मीटर, वन मीटर। पहले क्या लगा रहे थे, वन डाइन का फोर्स लगा रहे थे सीजीएस सिस्टम में, और घसक कितना रहा था, डिस्प्लेस कितना हो रहा था, एक सेंटीमीटर। लेकिन अभी कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यूनिट बदल गया,
तो डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हो रहा है और 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको बड़ा आसानी से आप डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्या अप्लाई करेंगे, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे। व्हेन 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड एंड द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड बाई 1 मीटर, देन दैट विल बी रेफर्ड एज 1 जूल। 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू डिस्प्लेस्ड 1 मीटर distance that will be 1 joule work done। तो I hope आपने अच्छे से समझा होगा कि work done को हम 2 units में कैसे define कर सकते हैं और उसके units कैसे निकाल सकते हैं। पहला था CGS जिसमें हम अर्ग निकाले थे और दूसरा था SI यूनिट या फिर MKS यूनिट जिसमें हमने देखा कि वो जूल आया। तो 2 यूनिट है हमारे वर्क डन के। वर्क डन के कितनी यूनिट है, 2। SI यूनिट की अगर बात करेंगे तो जूल इसका SI यूनिट होगा, और अगर CGS सिस्टम की बात करें वर्क डन की तो उसका उसका जो यूनिट होगा वो होगा अर्ग। तो आई होप कि अच्छा से समझ में आया होगा। Part 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द अर्ग एंड जूल। रेडी रहिए, नोट्स बनाइए और कीप वॉचिंग। थैंक यू।